म्यूचुअल फंड्स के कुल एयूएम में मई के महीने में करीब 3% की कमी देखी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी लिक्विड और मनी मार्केट में देखी गई है। ये वो पैसा है जो डीमोनेटाइजेशन के बाद फंड्स में लगाया गया था। देश में बीते कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स में निवेश होने वाली राशि बढ़ती जा रही है, पर बीते मई के महीने में इसमें गिरावट देखी गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार करीब 42 कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों द्वारा किया गया निवेश या म्यूचुअल फंड के एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की कुल राशि अप्रैल के महीने में 23,25,505 रुपए थी, जो मई के महीने में गिरकर 22,59,578 करोड़ रुपए पर आ गई है, यानी एक महीने में करीब 2.8% और 65,927 करोड़ रुपए की कमी इसमें देखी गई है। म्यूचुअल फंड की कुल राशि में आई कमी के कारण देखें तो पिछले महीने के मुकाबले इनकम फंड में 0.7% की कमी, गोल्ड ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 1.2% की कमी, ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में 1.2% की कमी, बैलेंस्ड फंड्स में 1.8% और सबसे ज्यादा लिक्विड या मनी मार्केट फंड्स में 12.8% की कमी देखी गई है। देश में निवेशकों द्वारा खोले गए SIP अकाउंट्स यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की संख्या कुल 2,16,00,000 थी, जिनमें जमा हुई राशि अप्रैल के महीने में 6,690 करोड़ की थी, जो पिछले महीने के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। इससे पहले भी मार्च के महीने में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लगने से करीब 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड से निकाले गए थे। अब मई महीने में भी कुल 50,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जिससे ग्राहकों के बदलते रवैये का संकेत मिल रहा है। उज़ैर अली जाफरी की रिपोर्ट, को न्यूज़।